तुम बताइए क्या अपडेट है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलो एक सवाल। असीम नजाई हमारे साथ है सर, 13 राउंड की काउंटिंग हो गई है, 10,000 का अंतर, आपको लगता नहीं रामपुर से ये कम है आपके लिए? हाँ यकीनन कम है, बहुत कम है, लेकिन ये इसलिए कम है कि 23 जून को रामपुर की पुलिस ने वोट डालने नहीं दिया ना लोगों को, बूथ कैप्चरिंग कर ली। रामपुर नगर, स्वाट टांडा और चमड़ा विधानसभा क्षेत्र में तो पुलिस ने लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया। नगर की पोलिंग 32% है और नगर में भी जो समाजवादी समर्थित क्षेत्र हैं, अल्पसंख्यकों के क्षेत्र हैं, वहाँ तो पोलिंग 9% से और 25 के बीच है। उसमें यह है, अगर ये पुलिस अपनी बूथ कैप्चरिंग नहीं करती 23 तारीख को, ये तांडव नहीं मचाती, लोगों को वोट डालने देती, उनके मताधिकार का प्रयोग उन्हें करने देती, तो ये जो आप बता रहे हैं 10 या 12 का फर्क है इस वक्त, ये 1.5 लाख से। बीजेपी प्रत्याशी इसे भी मैं बात कर रहा था, वो कह रहा है कि असीम जी इतना आरोप लगाते रहे लेकिन देखिए फिर भी वोटों से आगे चल रहे हैं, और जीत गए तब भी आरोप लगाएंगे, हार गए तब भी आरोप लगाएंगे। आरोप नहीं लगा रहे, लगाएंगे जीतने के बाद भी लगाएंगे, वास्तविकता है ना, रिकॉर्ड मौजूद है, आपकी मीडिया में कैद है, अखबारों में छपा है, सोशल मीडिया में वीडियो आए रहे हैं, बुजुर्गों को ठोकरें मारी गई हैं, खवातीन को धक्के दे दिए गए हैं, मत केंद्र के फाटक बंद कर दिए गए हैं, रामपुर की पुलिस ने 4:30 बजे सारे बड़े मतदान केंद्रों के फाटक बाकायदा बंद कर दिए थे, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। अगर इसका भी संज्ञान चुनाव आयोग नहीं लेगा और उन लोगों को सजा नहीं देगा जो इसके जिम्मेदार हैं, तो प्रजातंत्र का मतलब क्या है, फिर इलेक्शन का मतलब क्या है? रामपुर से जीत होगी तो समाजवादी पार्टी की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी, आजम खान की मेहनत की जीत, पार्टी की भी जीत होगी, और आजम खान साहब का तो शहर है, जीत तो उनकी है। तो निश्चित तौर पर असीम रजा है, आप देखिए उनका कहना है कि चाहे जीतू चाहे हारू, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर हम पर दबाव बनाया उसके बावजूद अगर 10,000 की लीड है तो ये बड़ी बात है, और जीत यहाँ के राजा यानी कि आजम खान। बड़ी बात शिवम, उनके द्वारा बड़ी बात ये कही गई है कि जब अगर हम जीत भी जाते, समाजवादी पार्टी अगर जीत भी जाती है, तब भी हम आरोप लगाते रहेंगे जो धांधली हुई है यहाँ पर, क्योंकि और वोट मिल सकते थे। हाँ बिल्कुल, उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ विपक्ष का रवैया अपनाया, प्रशासन ने बिल्कुल भाजपा के साथ मिलकर जिस तरीके की लड़ाई लड़ी, और 4:30 बजे के आसपास जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जो सपा के बाहुल इलाके हैं, वहां पर पोलिंग काउंटिंग के काउंट जहां पर होती है पोलिंग, वहां वो गेट बंद कर दिए गए, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, बुजुर्गों की पिटाई की गई, ये साफ तौर पर इसके वीडियोज है, इसके दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है, चुनाव आयोग को हमने पूरी रिपोर्ट भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, यही एक वजह है कि जो मार्जिन है वो मैच हारा। बिल्कुल, यहाँ पर शिवम एक चीज और फैक्टर काम कर रहा है, एक चीज और है जो लगातार शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, आसिम रजा की बात कर ली जाए, घनश्याम लोधी की बात कर ली जाए, लगातार हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दोनों में नजर नहीं आ रहा, और शायद एक ये कारण हो सकता है कि यहाँ पर आसिम रजा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम जीत भी जाते तो भी आरोप लगाएंगे, जीत को लेकर शायद अभी भी आश्वस्त नहीं है। देखिए आसिम रजा जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अंतर भले ही कम हो सकता है, जीत हमारी 100% है, जिस तरीके से आजम खान ने लगातार पूरे चुनाव में मेहनत की, मैं आपको बताऊं कि मैं लंबे समय से आजम खान को देख रहा हूं, अपने चुनाव में भी वो इतना एक्टिव नहीं हुए थे, लेकिन असीम रजा के लिए जनसभाएं मोहल्ले छोटी छोटी जगह में, कि आपने आई एम बैक टाइगर वाला वो डायलॉग पिछले